महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन सेंटर ले लद्दाख के, यह मेन मेडिटेशन सेंटर बड़ा है, बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी बाहर इटली कनाडा से आए हुए कोई लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल है महाबोधि ले लद्दाख के सेंटर का, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। शांत रूप से ये मेडिटेशन चल रहा है। नमो बुद्धाय, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देखते हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल। आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं लेह लद्दाख के बहुत बड़ा एक महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है, जो पूजनीय भिक्खु संघसेन महाथेरो भंते जी ने इसका इस्टेब्लिश करके वही अभी चीफ बन के पूरा चला रहे। अभी यहाँ बहुत सारी चीज़ें है, स्कूल है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, बहुत सारे चीज़, ओल्ड होम, हॉस्पिटल, ये बहुत सारी चीज़ें। उनमें से एक मेन अट्रैक्शन यहाँ संबोधि है, जहाँ अंदर एकदम ग्रीनरी और पंडित जी भी रहते हैं, गेस्ट हाउस भी है, वीआईपी गेस्ट हाउस भी है, बहुत सारी चीज़ें है। आज हम आप लोगों को ये संबोधि महाबोधि सेंटर का मेन केंद्र ये संबोधि आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और ये दिखाने के लिए हमारे साथ है यहीं के पूजनीय भिक्खु नागसेन महंते जी, और ढालन से आए पूजनीय भिक्खु प्रा महान धम्मरत्न थेरो महंते जी भी है। आइए आप लोगों को अभी ये संबोधि दिखाएंगे, यहाँ क्या क्या है। अभी ये महंते जी यहाँ से स्टार्टिंग है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ग्रीनरी। अभी ये लेफ्ट में क्या है महंते जी? स्टाफ रूम है जी, यहाँ पे स्टाफ रूम। यहाँ कितने रूम है? यहाँ होगा 9-10 होगा जी। अच्छा, 9-10 यहाँ पे ये स्टाफ रूम। अच्छा, तो अभी स्टाफ कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 6-7 होगा। 6-7, ओके। यहाँ ये स्टाफ रूम। और इधर क्या बनाने वाले हैं? इधर यहाँ तो सिर्फ पेड़ पौधे। हाँ जी, पेड़ पौधे। ये दो पॉपुलर नॉन फ्रूट ट्रीज है जी, ये पॉपुलर बोलते हैं। ओके, पॉपुलर एंड बाकी वो जो बिलो। ओके, ये दोनों हमारा जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है जी। हाँ हाँ हाँ, हम घर बनाएंगे। अच्छा अच्छा, तो दोनों बहुत ही अच्छा, और ग्रीनरी भी बहुत अच्छा है। और ये महाबोधि में कितने बंदे रहते हैं? ये हम लोग 5 भिक्खु है, बाकी अराउंड 6-7 नोविसेज है। ओके, एंड 7-8 आदमी से सामान्य भी है। ओके, अभी ये लेफ्ट साइड में क्या है? ये फीमेल डॉर्मेटरी जी। ओके, हम लोग बहन के लिए आता है। हाँ हाँ, तो उन लोगों का रहने का जगह है। अच्छा, अभी इटली से एक और कनाडा से एक भी आई है, तो यही रहते हैं। हाँ, और यहाँ मेडिटेशन हॉल भी है ना? हाँ जी, वो बीच वाला मेडिटेशन हॉल है, बहुत सुंदर हमारा। चलिए एक बार मेडिटेशन हॉल भी दिखा देंगे, बहुत ही अच्छा है। हार्टली वेलकम टू महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर। पहाड़ के ठीक नीचे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है। अभी ये रूम क्या है? पूरा फीमेल डॉर्मेट्री है। ओके, ये फीमेल डॉर्मेट्री। कितने लोगों का कैपेसिटी है? इसमें होगा 30 तक आराम से कर सकते हैं। ओके, 30 तक। ओके, और मेल डॉर्मेट्री का? मेल ऊपर है जी। अच्छा, ऊपर है। और ये मेडिटेशन हॉल। वाओ वाओ, बहुत ही अच्छा है। फ्रॉम द हॉली माउंटेन ऑफ द हिमालय विद एटमॉस sincerity, we offer our faithful prayers for world peace. May peace and harmony prevail in every corner of the world.
मिठू संगसेना, बहुत ही अच्छा। और ये मेट्रेस नल ऊपर है। हाँ जी, ऊपर। कितने लोग बैठ सकते हैं यहाँ? 50-60 लोग। हाँ। बड़ा ही है फिर। हाँ, ये वॉशरूम ये इधर दिया है। और बंटे, ये क्या मतलब रहता है, ये जो स्तूप जैसा बना के रखा है ये? अच्छा, उसका कुछ मीनिंग भी रहेगा ना? पुराने जमाने में हम ऑफरिंग करते हैं, इसलिए उनके जो भी जब हम मंदिर देखते हैं तो ऑफरिंग करते हैं। ओके, धीरे धीरे मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन चालू है। हाँ, दो आदमी। हाँ, मेडिटेशन डाले। वाह, बहुत अच्छा। नहीं, ये फर्स्ट टाइम आया। बहुत बुरा है। यहाँ से जाना है थाना से। हाँ, यहाँ पे क्या है? ओके, यहाँ मेल डॉर्मेट्री है, उस साइड में फीमेल डॉर्मेट्री है, और यहाँ मेडिटेशन आराम से 50-60-100 लोग तक मेडिटेशन कर सकते हैं। ये मेडिटेशन सेंटर कब से बना है? कितने साल हो गया ये मेडिटेशन हॉल बनाया? 10-15 साल हो गया। और यहाँ देश विदेश से लोग मेडिटेशन करने के लिए आते रहते हैं ना? देश विदेश से ज्यादा आते हैं। ओके, अभी जो पेंडेमिक के बाद थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो पूरा हर हम लोग रेगुलर होता था। ओके, दिन का शिविर। हाँ, फिर एक दिन छोड़ और एक दिन भी। ओहो, पूरा 30-40-50 होता था, पूरा। ओके, ये क्या है? डॉर्मेट्री है, मेल। मेल डॉर्मेट्री। ये मेल डॉर्म है। आइए एक बार देखिए। वाओ, अंदर का माहौल भी बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है। आइए एक बार। हाँ, सेपरेट सेपरेट बना के रखा है, मतलब एक फिर एक दो, ऐसा सेपरेट सेपरेट जैसा बना यहाँ रखने के लिए दिया है। देखो, डॉर्मेट्री है पर अलग अलग करके दिया है। अच्छा है, आराम से मेडिटेशन करने वाले रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा। तो बहुत ही अच्छा है ये भी डॉर्मेट्री। दो जगह पे, उधर एक जगह, इधर एक जगह जाने की जगह है। यहाँ कितने लोग रह सकते हैं? यहाँ 15-20 हो गए जी। 15-20 बेड है, उस हिसाब से रह सकते हैं। डॉर्मेट्री होके भी अलग अलग सेपरेट रूम जैसा बना के रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत है।
अच्छा हाँ, यहाँ पे ओपन बाथरूम भी है। हाँ बहुत ही अच्छा, इतना खूबसूरत। हाँ कॉमन बाथरूम बहुत ही खूबसूरत है। ये सब खुबानी हो गए, एप्रिकॉट ट्रीज है। ओके खुबानी। हाँ हाँ एप्पल। और इसके ऊपर ही पूजने भिक्खु संघसेन महाथेरो भंते जी का ये रूम है। बड़े भंते जी भी यहीं रहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, सारा कचरा रखने की जगह हो गया। हम वहां से आए, ये देखिए संबोधि, ये जितना भी ग्रीनरी दिख रहा है सब संबोधि का एरिया है। यहाँ भी पार्किंग की जगह है। अभी ये संबोधि रिट्रीट सेंटर में हम आ गए हैं। अभी संबोधि रिट्रीट सेंटर, इधर पूजने भंते जी का ये रूम है। यहाँ पर आगे और भी देखना बहुत सारी बाकी है। आज का धम्म वीडियो हम इतना तक ही करते हैं। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। बुद्धा टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।